हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल गुड़ के लड्डू बनाने की एकदम आसान रेसिपी। मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू तो मेन बनाए ही जाते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही ज्यादा आसान रेसिपी। बिना किसी झंझट के, बिना चाशनी बनाए आप 5 से 10 मिनट में बहुत ही ज्यादा नरम मुंह में घुल जाने वाले तिल गुड़ के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए एक पैन गरम करेंगे। हमने लिए है 1/2 कप सफेद तिल। इसको लगातार चलाते हुए हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तिल को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये भून जाते हैं। बस आप इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। ये देखिए, इन पे हल्का गोल्डन कलर आ गया है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंडिंग जार में कर लेंगे। इसको हमें दरदरा ही पीसना है, ज्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। ये देखिए, हमने इसको हल्का दरदरा ही पीसा है, ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसका। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गुड़। गुड़ को मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, आप गुड़ को ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। बस हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच घी। आप इसमें बिना घी के भी बना सकते हैं, केवल तिल और गुड़ से। इसको हमें थोड़ा ही चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है, बस तिल और गुड़ अच्छे से मिल जाए। तिल और गुड़ अच्छे से मिल गए हैं, ये देखिए। आपको थोड़ा ड्राई लगता है तो आप इसमें थोड़ा गुड़ और मिला सकते हैं, बस ये थोड़ा बंद हो जाना चाहिए। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इन्हें बनाने में हमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कितनी आसानी से हमने इन्हें बना के तैयार कर लिया, ना कोई चाशनी बनानी पड़ी, ना कोई झंझट। बस 5 से 10 मिनट में हम इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस हल्का सा हाथों पे हम लगाएंगे घी और इसके हम लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं ये, ऐसा लगता है जैसे हमने इनको खोए से बनाया है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इन्हें बनाएंगे तो सच में सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं ये। अगर आपको तिल गुड़ के लड्डू बनाने नहीं आते हैं या बनाने में डरते हैं, क्योंकि कभी कभी चाशनी इतनी ज्यादा पक जाती है कि लड्डू बहुत कड़क हो जाते हैं, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, जब आप इस तरीके से तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप तिल गुड़ के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये देखिए, हमारे तिल गुड़ के लड्डू बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।